अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार शाहरुख अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एएमयू के रजिस्ट्रार पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने का आरोप था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शहजाद आलम ने एचआरडी मंत्रालय को शिकायत की थी। शिकायत के बाद उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। इसी जांच के बाद रजिस्ट्रार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं छात्रों का आरोप है कि उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया है। शीट थी वो एलम यूनिवर्सिटी से बनवाई हुई मार्कशीट थी और उस पर बिल्कुल क्लियर था कि जब ये रजिस्ट्रार साहब एयरफोर्स में जॉब कर रहे थे उस दौरान का इनका मतलब ये जॉब भी कर रहे हैं और एमबीए भी कर रहे हैं, तो उनमें से एक चीज गलत थी। तो हमने उस पर इंक्वायरी की, मतलब आरटीआई डाली और जब डॉक्यूमेंट्स निकलवाए गए तो पता ये चला कि वो मार्कशीट फर्जी है टोटल। ठीक है, तो उस पर हमने एचआरडी को लेटर लिखा। उसके बाद एचआरडी को लेटर लिखने के बाद उस पर फॉर्मर वाइस चांसलर्स हैं और इस टाइम जो है हमारे जो हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब, उनको भी हमने लेटर लिखा। तो उन्होंने जो एचआरडी को उस लेटर को फॉरवर्ड करा। उसके बाद एचआरडी से इन्हें जो है ओरली भी और बाकी कई सारे तरीके से इनको डांट भी पड़ी उस पर और इंक्वायरी कराने की मांग की गई। तो अब मामला यह है कि रजिस्ट्रार साहब ने जो रिजाइन करा है, मेरा कहना यह है कि भाई देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उन्हें यह एहसास हुआ कि वो गलत जगह पे बैठे हुए थे, गलत तरीके से बैठे हुए थे, वो छोड़ के गए हमें इस बात। वहीं एएमयू प्रशासन ने उनके इस्तीफे की कारणों को उनकी तबीयत का खराब होना बताया है। जो इस्तीफा दिया है उन्होंने वो हेल्थ कारणों से दिया है और हेल्थ कारणों की बेस पर ही कुलपति ने उनका त्यागपत्र स्वीकार किया। इस्तीफे के कारण भले ही जो हो, लेकिन छात्रों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। VPL News अलीगढ़।